हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर राकेश कुमार जी, डायरेक्टर जनरल ईबीसीएल, चेयरमैन आईएमएल, और मंच पर हॉस्पिटल के चेयरमैन एसपी खोसला साहब, सेक्रेटरी श्री विनोद खन्ना जी, ढल साहब और विशाल जी, हमारे महासचिव जो अवैतनिक हैं, जिन्होंने एक कल इतना अच्छा कार्य किया है जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उस बुनियाद को भी रखा है जो गांधी में, मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल के साथ साथ वो आर्टिजन्स के लिए स्कूल की बुनियाद है और फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें शिक्षा होगी। कल उसकी नींव रख दी गई है डॉक्टर राकेश कुमार की ईपी से, उन्होंने कल उसकी नींव रख दी और इसमें महासचिव महोदय ने संपूर्ण तन मन धन और मैंने भी और हमारी पूरी टीम ने एमएचए की और साथ ही साथ यश ने, हमारे चेयरमैन नेशनल जो है श्री नीरज खन्ना जी हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है, उन्होंने पूर्ण रूप से हमें सहयोग दिया है। और आपको भी पता होगा हमारी मुरादाबाद हंडीगढ़ एक्सपोरेशन की बिल्डिंग पूरी संपूर्ण होने के बाद कल उसका भी विधि रूप से श्री डॉक्टर राकेश कुमार जी ने उसका उद्घाटन किया है। उसमें हमारे काफी लोग जिन्होंने हमको बुलाया था और जो हमारे डोनर्स थे वो सब वहां उपस्थिति थे, क्योंकि कोरोना की वजह से हमने सभी लोगों को नहीं बुलाया था, इसलिए हम किसी और प्रोग्राम में आगे उन लोगों को बुलाएंगे। दूसरी बात, आर्टिजन्स के इलाज की बात है, जहां तक देखिए 60 कैंप अब तक विवेकानंद हॉस्पिटल के माध्यम से आंखों के लग चुके हैं, जो कि हर हफ्ते लगते थे, कोरोना काल की वजह से वो अभी नहीं लग पा रहे हैं। साथ ही साथ जो वेलफेयर ट्रस्ट जो मुरादाबाद आर्टिजन्स के लिए बना था उसमें भी आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में कब तक इलाज चला, जब गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो हुआ था उसमें 3000 लोग आए थे, उनका इलाज एक साल में पूरा हुआ। उसके बाद में जब हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी आई थी उसमें भी 3500 लोग आए थे, उसका भी इलाज बराबर चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से वो इलाज रुक गया। आज इस सैनिटाइजर और मास्क के प्रोग्राम में हमारे शहर के बड़े बड़े अच्छे कारीगर, आर्टिजन्स, उलचाई करने वाले, रंग भरने वाले तमाम मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, उनका सभी का मैं वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने अपना काम छोड़कर और मेरे और हमारे एक आश्वासन पर वो यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच हमारे आर्टिजन्स के मुखिया श्री गानिम मियां जी, श्री आदम अंसारी साहब, नोमान मंसूरी साहब, सभी वो यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ भी काफी आर्टिजन्स हैं। और उसी के साथ साथ मैं आप सब उन्हीं एमएचए के पदाधिकारियों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने कल भी अपना पूरा वक्त यहाँ पर दिया था, आज भी वो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, विवेकानंद हॉस्पिटल में कोविड-19 के अंतर्गत जब जब मैंने नीरज खन्ना जी को फोन किया, उन्होंने मुझे तुरंत डॉक्टर हरजीत सिंह जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं, मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई हो, जिस किसी पेशेंट के लिए बोला फौरन ही तुरंत मुझे तुरंत जवाब दिया नीरज खन्ना जी ने कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सबसे बड़ी ये खुशी की विषय है, हर हॉस्पिटल के अंदर कैजुअलिटी हुई है, कहीं छल से घूमते पेशेंट करके मरे हैं, कहीं पर किस तरह के भाग गए हैं, लेकिन विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर जो मैनेजमेंट है डॉक्टर हरजीत सिंह जी का, वो इतना सुंदर है, यहाँ का स्टाफ इतना बढ़िया है, वो देखने काबिल है। मैं कई बार आता हूँ यहाँ पर और मैंने कितने लोगों को भर्ती भी कराया है, सिफारिश भी की है, उनका इलाज का समाधान तुरंत हुआ है। जैसा कि आपको बता रहा हूँ, आर्टिजन्स के लिए जो भी सुविधाएं हैं 50% पे, और जैसे डायलिसिस है, कई मैंने श्री विनोद खन्ना जी से डायलिसिस के बारे में किया, उन्होंने तुरंत हर बात की तवज्जो दी है। तो मैं सभी अपनी आर्टिजन से कभी भी कोई समस्या हो, मैं तो आपके बीच में हमेशा हूँ, आप मुझे तुरंत टेलीफोन कर सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब को यहाँ पर उससे अवगत करा दूँ और आपकी समस्या का समाधान हो। आज हमारे बीच कल से हमारे जो हमारे इंडस्ट्री के मुखिया हैं, उद्योग जगत के मुखिया हैं, वो कल से यहाँ पर पूरा उन्होंने समय दिया है और आज भी हमें समय दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक दिल से, यश की ओर से और अपने एमएचए की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दो दिन का कितना कीमती समय निकालकर वो हमारे बीच उपस्थित हुए, आर्टिजन्स के बीच उपस्थित हुए, कल एक्सपोर्टर्स के बीच उपस्थित हुए, अभी भी एक कार्यक्रम में उन्हें जाना है, उसके बाद शायद दिल्ली जा पाए या न जा पाए, स्वस्थ हो जाए, सब इसी के लिए। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर प्रेस
मीडिया जो कल से लगातार बिल्कुल हमारे संपर्क में है, बराबर हमारे साथ है, उसका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास तौर से हमारे बीच में हमारे एमएचए के नदीम खान है, डॉक्टर हामिद हुसैन है, परवेज आलम है, हसन अख्तर साहब हैं और बहुत से दीगर लोग हैं, मीना गुलानी जी हैं, विशाल जी हैं, रोहित जी हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और जैसा कि आपने बताया नीरज खन्ना जी ने कि कल से यहां पर सैनिटाइजर का वितरण होगा, तो मेरी सभी आर्टिजन से गुजारिश है कि अपने मोहल्ले में पड़ोस में सभी को आप यहां पर भेजें और यहां से मास्क और आप सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। और सबको आप बताएं तीन चीज आप इस्तेमाल कर लीजिए, कोरोना आपके पास नहीं आएगा। देखिए मैंने आपने सब लोगों ने देखा होगा, मैं आपके बीच हमेशा रहा हूं चार से पांच महीने तक और मैं बस दो तीन चीजें मैंने इस्तेमाल की, आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, आप पर कुछ नहीं होने वाला है।